हेलो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक 9.2 हैबिटेट एंड अडेप्टेशंस। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1? डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम? लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। यानी आप लोगों ने ये जो प्रीवियस एक्टिविटी के अंदर देखा है, किस तरीके का से हमने इसके अंदर मेंशन किया है, उसमें सी का और डेजर्ट का मेंशन करने को कह रहे हैं। व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दिस टू रीजन? यानी दोनों रीजन में क्या क्या फ़र्क है? इन दिस सी प्लांट एंड एनिमल्स आर द सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर। यानी ज़्यादातर उसको इसमें यूज़ करते हैं, डिजोल्व इन वाटर। देर इज़ अ वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। यानी डेजर्ट के अंदर कम पानी रहता है। इट इज़ अ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट। यानी डेजर्ट के अंदर सुबह में बहुत गर्मी रहती है, दिन के अंदर बहुत गर्मी रहती है और रात को बहुत ठंड रहती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथेड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। यानी वहाँ जो जानवर रहते हैं वो वहाँ क्या करते हैं, सॉइल और ब्रीड वहीं डेजर्ट के अंदर ही कंफर्ट रहते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन दिस टू रीजन। इजंट इट लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी? अ कैमल एंड अ फिश। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट सर्वाइव डेजर्ट कंडीशन। यानी ज़्यादातर डेजर्ट के अंदर कैमल्स रहते हैं और कैमल किस तरह से डिजर्व करता है? कैमल हैव अ लॉन्ग लेग विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीटेड ऑफ द सैंड। यानी जो गर्म गर्म मिट्टी रहती है उसके जो कैमल्स के लेग्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उससे उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। दे एक्सट्रैक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। देयर डंग इज अ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। सिंस कैमल लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। यानी वो लोग जो कैमल होते हैं वो ज़्यादातर बिना पानी के भी जी सकते हैं। लेट अस लुक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। सम ऑफ द आर शोन इन फिगर 9.3। देखो ये 9.3 के अंदर अलग अलग टाइप की फिशेस है। There are so many kinds of fish, but do you see they all have a something common about their shape? All the ones who here have the shape that was discussed in chapter 8. These fishes have simply scales on their bodies. There are scales protected these fish and also help in easy movement through the water. We discussed in chapter 8 that fish have a flat fins and tall that help them to change direction and keep their bodies balanced in water. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. यानी ये points क्या कहता है कि जो fish है अलग अलग है, उसके shape भी अलग अलग है, तो उसके हिसाब से उसके जो shape है वो body maintain करते हैं और उसको स्थिर waters के अंदर body balance करते हैं। इसी तरह कैमल का भी बताया है 9.2 के अंदर, कैमल इन द सराउंडिंग। सी हाउ टॉल कैमल इज देयर। वी हैव टेकन ओनली टू एग्जांपल फॉर द वेरी वेराइटीज ऑफ एनिमल एंड द प्लांट्स डेट लिव ऑन द अर्थ। हम लोगों ने खाली दो ही एग्जांपल लिए, फिश और कैमल का। इन ऑल द वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिविंग इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। यानी नॉर्मली वो फाउंड होते रहते हैं। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इन इज कॉल्ड हैबिटेट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। ज़्यादातर जहाँ ऑर्गेनिज लिव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट यानी आदत वाले, जहाँ एनिमल जहाँ रहते हैं वहीं उसको एक हैबिटेट होती है। जैसे कि कैमल और फिश वाटर के अंदर ही रहते हैं और केमिकल डेजर्ट के कैमल्स डेजर्ट के अंदर ही रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव्स ऑन द लैंड और सेड ए लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिट्स। सम एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल हैबिट्स आर फॉरेस्ट,
ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। सी अलग अलग जगह पर रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट यानी जंगल, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन यानी पहाड़ी इलाका। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एन एक्वेटिक हैबिटेट्स। यानी जो पानी के अंदर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द हैबिटेट आर द इट इज एन बायोटिक एज रॉक। यानी हम उसे क्या कहते हैं, बायोटिक एज रॉक कहते हैं। वी नो डेट द सम प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड, लेट अस लुक एट द सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड एज दे ग्रो इन टू योर प्लांट्स। यानी प्लांट्स के अंदर किस तरह से वो ये करता है हेल्प ग्रो करने के लिए, लेकिन ये एक्टिविटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो वी विल स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट इन 9.3।